स्काउट और गाइड के प्रशिक्षक मुकेश आजाद जी, महान साहित्यकार हरेराम निराला जी, सम्मान चैनल से आए हुए अमरजीत जी और इस टीम के अमरिंदर जी, और आज के इस स्काउट गाइड के प्रशिक्षण के समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित स्काउट और गाइड के बच्चे और बच्चियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस प्रशिक्षण के समापन समारोह के अवसर पर हम सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं और इस अवसर पर इन बच्चों और बच्चियों को संबोधित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर पर हम यह बताना चाहेंगे कि आज इस समापन समारोह के अवसर पर जो आप सबों को स्कार्प पहनाकर सम्मानित किया गया, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह एक बंधन है, यह साधारण चीज नहीं है, यह एक बंधन है जो आप लोगों को आज पहना करके दे दिया गया। जैसे आप लोग देखते हैं कि हिंदू समाज में उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार आप लोग पूछते होंगे, जिसको हम लोग जनेऊ भी कहते हैं, वह जनेऊ क्या होता है? जनेऊ एक बंधन है। जिस दिन से जनेऊ जो है वो साधारण चीज नहीं है कि जैसे तैसे हम पहन लिए, वो नहीं, उसका नियम होता है और उसके नियम का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। यदि हम उसके नियम का पालन नहीं करते हैं वो व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं है। उसी प्रकार से आप लोगों को भी जो ये स्कार्फ के रूप में मिला है, यह एक बंधन है, स्काउट गाइड के नियमों का आपको सदा पालन करना है। पिछले दिन भी हम आए हुए थे और इसके महत्व के संबंध में आप लोगों के समक्ष कुछ की आवश्यकता होती है, उसमें आप लोगों को पहुंचकर वहां सेवा करना है। इसके लिए आपको आर्थिक रूप से कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन सामाजिकता और नैतिकता के नाते आप वहां बहुत बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए वो कम नहीं है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सब भावना रखनी होगी। यदि स्काउट और गाइड में आकर के हम आर्थिक लाभ को देखें तब तो इसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसमें सेवा भाव को अपने अंदर रखना होगा कि हम सेवक हैं और जो सेवक होता है वही महान होता है। आप लोग हमेशा देखते हैं, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बड़े मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा जब भी मंच पर आते हैं क्या कहते हैं, हम 125 करोड़ लोगों के सेवक है। सेवक मालिक नहीं, वे सेवक हैं, वे सबकी सेवा कर रहे हैं और सबकी सेवा जो कर रहे हैं इसीलिए वे देश में विदेश में महान है। तो जब सबको सबका जो सेवा करता है वही महान होता है, सेवा करवाने वाला महान नहीं होता है, सेवा जो करता है वह महान होता है। आप लोग जानते हैं हमारे देश में अछूत नाम से जो दलित लोग थे उन्हें अछूत कहा जाता था, उनसे घृणा किया जाता था, परंतु महात्मा गांधी ने अछूत से नाम हटाकर उसका नाम हरिजन कह दिया। ये अछूत नहीं है, ये हरिजन है। हरि मने भगवान, जन मने सेवक, ये तो भगवान के सेवक है, हरिजन है, इसलिए छोटा काम नहीं करते हैं। जबकि वे कौन काम करते थे, दूसरे
सेवा करते थे, जैसे उदाहरण के रूप में आप कपड़े को गंदा करते हैं उसे धोबी सेंदर जी तथा स्काउट गाइड के बच्चे और बच्चिया बहुत एक जरूरी चीज था जो आज बताना हमको लगा कि बता देना चाहिए। शुरू शुरू में नागेश्वर बाबू ने एक बात कहा कि जब सर सिखा रहे थे तो तुम लोगों ने संकोच किया और उनके जो कला था उनको फॉलो नहीं किया, नकल नहीं किया। यह बात बहुत जरूरी है, इसलिए संकोच नहीं होना चाहिए। संकोच ऐसा बीमारी है कि ऊपर से नीचे तुरंत गिरा देता है। हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये संकोच जितने विद्यार्थी में होगा वह आगे देर सवेर वह संदेह के घेरे में पड़ जाएगा। इसलिए संकोच को सदा निकाल देना है। और ये संकोच आप लोगों में ही नहीं, हमारे जैसे और कितने लोगों में है, इसे आप लोगों से मेरा विनती यही रहेगा कि संकोच को निकाल दीजिए। और सबसे पहले जो अभी हम बोल रहे थे, स्काउट गाइड के प्रशिक्षक जो आपके हैं मुकेश सजाद जी, इनको आप अपने जीवन में किस रूप से स्वीकार रहे हैं यह फैसला आपको करना है, क्योंकि यह जिंदगी एक चौराहा है, हर मोड़ पर बताने वाला चाहिए। जब आप निकलेंगे तो गोलंबर मिलेगा हर जगह, अगर बताने वाला नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा। एक रास्ता जा रही है जहन्नुम, एगो जा रही है स्वर्ग, एगो जा रही है पताल, एगो जा रही है आकाश। पकड़ लिए तो पूरी जिंदगी चला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि आप लोग ऐसे समय में हैं जहां सिखाने वाले मुकेश सजाद जी, ऐसे गुरु जो आज के समय में हमको नहीं लगता है कि इतना निःशुल्क सेवा, और वह भी का बिना थके, किसको क्या कहते हैं नॉन स्टॉप, एक दिन भी बाकी नहीं, आए दिन मीडिया में, पेपर में, अखबार में इनका बराबर प्रोग्राम जो है आती रहता है। सबसे मैंने बहादुरी है इनकी उस लगन की, इनके लिए मैं एक पंक्ति जरूर बोलूंगा कि चला मसीहा अंबर से धरती पर अवतार लिया, अरे चला मसीहा अंबर से धरती पर अवतार लिया, अब मानव ज्ञान का दीप जलाकर मानव का उद्धार किया, मानव देव का दीप जलाकर मानव का उद्धार किया। वे आपके मुकेश जी हैं। और एक चीज वह भी बता देना चाहते हैं, आप लोगों को कभी छूटा काटा है, बड़ा मुड़ी वाला बताइए, कोई विद्यार्थी नहीं काटा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि हम लोग अब पक्के के घर में आ गए, पहले हम लोग छोटे थे तो मट्टी का घर था, बहुत छूटा निकलता था और उंगली में काट लेता था, जब छोड़ाने जाते थे हम लोग साला उसका मुड्डी भी जो है उसी में रह जाता था और छूटा जो है नहीं छोड़ता था। इसका मतलब क्या समझे, आप उसे विद्या को इस रूप से पकड़िए, चाहे जिंदगी में कितना ही मामलों आ जाए लेकिन वह ना टूटे, वह जज्बान नहीं कम हो, वह चिंगारी ना कम हो, वह प्रकाश ना कम हो। आपकी सफलता कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप एक पंक्ति पढ़ेंगे और आगे, आप व्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह होता है, अर्थात जड़ा सागर सकवा, अगर यह शब्द आया तो पूरा पथ का पुल संठी की तरह चरचरा कर टूट जाएगा। अगर जड़ सा विश्वास आ जाएगा तो यह शिक्षण पद्धति कमजोर हो जाएगा। इसे विश्वास को बनाए रखना है। और जो आप लोगों को बताया जा रहा है उसको अनुसरण करते रहिए। हम लोगों का दुआ आशीर्वाद आप लोगों के प्रति बना हुआ है। आप लोग जो है राज्यपाल पुरस्कार क्यों भाई, हम राष्ट्रपति पुरस्कार लेंगे, हम पूरे एशिया के अंदर नाम करेंगे। हमको ये जज्बा जगाकर चलना है, राष्ट्रपति से मिलना देश का जो है लिए, इस समाज के लिए, सबके लिए आप गौरव का पात्र हैं। तो अब इसके साथ साथ एक चीज और भी आप लोगों से हम अपील कर लें,
कि एक चीज और आपको हम बता देते हैं, सदा इसको याद रखिए कि हर भाषा को सीखना है गुनाह नहीं है, लेकिन हिंदी भी सीखना है याद रहे, हिंदी को छोड़ना नहीं है। अगर हिंदी ही हम छोड़ दिए, अपने माता पिता को ही भूल गए, तो सारा संसार भी मिल गया तो अधूरा है। तो हम जगाते हैं उन लोगों में वह जज्बा को, बताना चाहते हैं क्यों उनके अंदर छिपा हुआ है, और संकोच बस वह उहारते नहीं है, उसको छिपा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बाल साहित्यकार के रूप में जिनकी लगन और प्रतिभा है, वह जो है खुल कर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति के लिए वह मौका, वह प्लेटफार्म का कहते हैं, चढ़ने तक वो ऊंचाई तक का वह सीढ़ी मिला हुआ है। एक समय था कि कोसों दूर चलकर कोई बताने वाले के पास पहुंचते थे हम लोग। आज का समय है बताने वाला पहुंचता है आपके घर तक, फर्क बहुत हो गया है। तो